सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर 100 रुपए के कैशबैक के साथ आपको और भी अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। आज का ये छोटा सा वीडियो आपकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर करने वाला है। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि कंपनी के लिस्ट होने के बाद जब इसका शेयर प्राइस फ्लक्चुएट करता है, यानी कि बढ़ता या घटता है, तो क्या इससे भी कंपनी का कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर फायदा या नुकसान होता है या फिर नहीं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इन्हीं सब बातों के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो जरूर करें, जहां पर न्यूज अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई शेयर का प्राइस जब घटता या बढ़ता है तो निवेशकों को तो फायदा या नुकसान होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या कंपनी भी इससे अफेक्टेड होती है, क्या कंपनी को भी इससे फर्क पड़ता है? तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जब कंपनी अपने जो शेयर्स है मार्केट में लिस्ट करना चाहती है या मार्केट से पैसा उठाना चाहती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है, और आईपीओ के दौरान कंपनी द्वारा शेयर का एक प्राइस फिक्स किया जाता है। लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि यहां पर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है और 200 रुपए शेयर प्राइस उसने यहां पर रखा है। अब कंपनी के जो टोटल शेयर है, मान लीजिए कि 1000 टोटल शेयर फॉर एग्जांपल यहां पर कंपनी मार्केट में लाना चाहती है, तो टोटल अमाउंट हो गया 200 × 1000, यानी कि यहां पर टोटल जो अमाउंट हो गया वो हो गया 2 लाख रुपए के आसपास। अब ये जो 2 लाख रुपए है ये कंपनी को दे दिया जाएगा और कंपनी अपने अलग अलग कामों के लिए इसका यूज करेगी, तो ये तो पैसा कंपनी का हो जाता है, ये सभी को पता है, और देखिए ये कंपनी में चला जाता है। अब देखिए, अब बात आती है इसके बाद, जैसे कि हमें प्रीमियम भी मिलता है, इसकी डिमांड बढ़ती है तो शेयर प्राइस बढ़ता भी है, डिमांड घटती है तो शेयर प्राइस घट भी जाता है। तो बात आती है कि भाई इस घटने बढ़ने से क्या कंपनी को कोई फायदा होता है डायरेक्टली तौर पर या इनडायरेक्टली तौर पर? तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टली तौर पर। तो डायरेक्टली तौर पर अगर बात करें तो देखिए, अगर शेयर प्राइस यहां पर 200 रुपए रखा गया था आईपीओ के टाइम में, और देखिए शेयर प्राइस अगर 300 या 400 रुपए भी पहुंच जाता है तो कंपनी को डायरेक्टली तौर पर कोई भी फायदा नहीं होता है। अब देखिए, 200 रुपए के हिसाब से शेयर कंपनी ने बेच दिया, अब कंपनी का शेयर हमारे पास है, तो जो 300 हो गया या 400 हो गया या 500 हो गया, तो उस निवेशक को फायदा होगा जिसके पास ये शेयर पड़ा होगा। तो डायरेक्टली तौर पर कंपनी को इससे कोई फायदा नहीं होता है कि शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है या ऊपर जाता है, तो डायरेक्टली तौर पर कोई भी फायदा नहीं है। अब बात आती है कि इनडायरेक्टली तौर पर क्या होता है, तो देखिए इनडायरेक्टली तौर पर कंपनी को बहुत सारे फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। अब फायदे कैसे होते हैं, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि देखिए शेयर जो कंपनी मार्केट में लिस्ट करती है, तो पूरे शेयर तो मार्केट में लिस्ट नहीं होते हैं, मान लीजिए 100% में से मान लीजिए 10% हिस्सेदारी के जो शेयर्स हैं मार्केट में कंपनी ने लिस्ट कर दिए। अब शेयर का प्राइस 200 रुपए था और शेयर प्राइस पहुंच गया 500 रुपए एक साल के अंदर, तो कंपनी के पास जो 90% शेयर हैं जो उनके प्रमोटर्स के पास हैं या फिर और किसी के पास हैं जो मार्केट में ट्रेड नहीं होते हैं, उनका प्राइस भी लगभग 500 रुपए के आसपास पहुंच गया। यानी कि यहां पर हम ट्रेड कर रहे हैं, हम खरीदी बिकवाली कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है या घट रही है, शेयर का प्राइस ऊपर गया तो ऑब्वियसली कंपनी के जो दूसरे शेयर से जो अनलिस्टेड है उनका दाम भी यहां पर लगभग इतना हो गया। लगभग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी कम पर भी मार्केट में आ जाते हैं शेयर्स, तो यहां पर लगभग यहां पर उतना हो गया, यानी कि कंपनी की ओवरऑल वैल्यू है वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आई, तो ये कंपनी के लिहाज से काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है, तो ये एक फायदा कंपनी को यहां पर होता है इनडायरेक्टली तौर पर। दूसरे फायदे की अगर बात करें तो दूसरा फायदा ये होता है कि मान लीजिए कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपए से 500 रुपए पहुंच गया एक साल के अंदर, अब कंपनी अपना राइट्स इशू या एफपीओ लेकर आना चाहती है, तो मान लीजिए राइट्स इशू के बारे में आपको बता दूं, ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि देखिए आईपीओ मार्केट में आ गया, लिस्ट हो गया, लिस्टेड शेयर जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो मार्केट से और ज्यादा पैसा अगर उठाना चाहती है, मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड कंपनी है वो मार्केट में लिस्ट है, पहले से उसका शेयर मार्केट में ट्रेड करता है, लेकिन कंपनी चाहती है कि मैं और ज्यादा पैसा मार्केट से उठाऊं, और ज्यादा मुझे पैसों की जरूरत है, तो कंपनी क्या करेगी, अभी इनके जो है 15% शेयर है मार्केट में, ठीक है, अभी क्या करेगी 5% और शेयर कंपनी लाएगी, तो उसको बोलते हैं राइट्स इशू। तो ठीक है, यहां पर राइट्स इशू आएगा, तो मान ली 200 रुपए कंपनी का दाम पहले था, अभी 500 रुपए हो गया, तो कंपनी लगभग 500 रुपए के हिसाब से मार्केट से पैसा उठाएगी, तो कंपनी का जो राइट्स इशू या एफपीओ आता है उसके लिए कंपनी के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। इन फ्यूचर अगर कंपनी लाना चाहती है तो शेयर प्राइस बढ़ता है तो इससे कंपनी का काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब देखिए बात आती है कि अगर शेयर प्राइस कम हो गया तो भी कंपनी का क्या प्रॉफिट है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए 200 रुपए कंपनी का प्राइस था
और शेयर प्राइस पहुंच गया 100 रुपए के आसपास तक। अब देखिए कंपनी क्या कर सकती है, बाईबैक कर सकती है। मान लीजिए कंपनी बाईबैक करी, बाईबैक का मतलब होता है कि कंपनी अपनी ही कंपनी के शेयर को शेयर मार्केट से खरीदे, यानी कि वापस ओपन मार्केट से अपने शेयर्स को खरीदे और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी यहां पर इससे बढ़ती है। तो अब मान लीजिए यहां पर बाईबैक कंपनी करती है, शेयर का प्राइस 200 के भाव से कंपनी ने आईपीओ लाया था, शेयर का प्राइस पहुंच गया 100 रुपए के हिसाब से, अब कंपनी लाएगी बाईबैक, तो कंपनी खरीदेगी 120, बोल देगी कि आपको 120 रुपए के हिसाब से हम शेयर खरीदेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाईबैक में शेयर को खरीदा जाता है, तो अब कंपनी को तो फायदा ही है ना, 200 रुपए में उसने बेचा था, है ना, और आपको आपसे खरीद रही है 120 रुपए में, तो टोटल 80 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से तो उसको फायदा ही हो गया। तो इस हिसाब से भी कंपनी कमाती है। तो इस तरीके से कंपनी का फायदा या नुकसान होता है। अगर डायरेक्टली तौर पर कहें कि भाई शेयर प्राइस 200 से 500 रुपए हो गया तो इससे कंपनी को कोई पैसा मिलता है, तो भाई इससे कंपनी को कोई भी पैसा नहीं मिलता है, वो आपकी बात है कि आप ट्रेड कर रहे हो, जिसके पास वो शेयर है उसको ही फायदा या नुकसान होगा और उसी को यहां पर इफेक्ट पड़ता है, कंपनी को इससे ज्यादा डायरेक्टली तौर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आई थिंक आप लोग जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा और आप समझ गए होंगे। तो देखिए इसी तरीके के फैक्ट वाले वीडियो भी मैं लाता रहता हूँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है जो आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।